नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी सा डिज़र्ट बनाने वाली हूँ, या कह लीजिए स्वीट डिश। जब भी हमारा कुछ मीठा खाने का मन हो तो हम सोचते हैं क्या बनाएं और क्या खाएं। आज मैं ऐसी स्वीट डिश बनाऊंगी जो मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी और हमारा जब मन करे हम उसको बना सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने यहाँ पर एक कटोरी चीनी ली है, साथ में जिस कटोरी से मैंने चीनी ली थी उसी से मैं एक कटोरी पानी ऐड करने वाली हूँ और इस मीठी मीठी सी स्वीट डिश को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चाशनी बनानी शुरू कर दी है। इसकी हमें बहुत ज़्यादा मीठी चाशनी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा फीकी भी नहीं होनी चाहिए। हम बना लेंगे जैसी हमें रसगुल्ले वगैरह की चाशनी चाहिए होती है, और इसमें हम थोड़ा सा एक चुटकी ऐड करने वाले हैं रेड फूड कलर, जिससे जो हम मिठाई बनाएंगे उसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा और हमारी चाशनी देखने में अच्छी भी लगेगी। इसको हम इसी तरह से 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से चलाएंगे और हमारी चाशनी बनकर रेडी हो जाएगी। जब तक हमारी चाशनी पक रही है मैं यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ। आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं, या आपके पास ग्रेट किया हुआ कोकोनट हो उससे भी काम चल जाएगा। मैंने यहाँ पर 4 से 5 बादाम और काजू लिए हैं, इनको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। लीजिए, मात्र 6 से 7 मिनट में हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है और हमें बहुत ज़्यादा मीठी नहीं चाहिए, हल्की सी बस चिपचिपी चाहिए। इसकी फ्लेम को हम बंद कर देंगे और चाशनी साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पर फिर से उसी पैन को धुलकर साफ़ करके ले लिया है, क्यों ज़्यादा बर्तन ख़राब करें। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल। आप इसको वनस्पति में भी बना सकते हैं, जो डालडा आता है आप उसमें भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लेने वाली हूँ इस मिठाई को बनाने के लिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल ज़्यादातर अवेलेबल होता है घर पे। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो रिफाइंड ऑयल वगैरह तो हम रखते हैं, इसलिए ये ऐसी मिठाई है मात्र घर के कुछ सामानों से ही बनकर रेडी हो जाती है। अब हम इसको गर्म करेंगे। यहाँ पर जब तक हमारी चाशनी बन रही है साइड में, मैं ले लूँगी ये वाइट ब्रेड और इस तरह से कोई भी धार वाला बर्तन, और मैं इसको इस तरह से कट करके गोल स्लाइस निकाल लूँगी इस तरह से। और ये जो किनारियाँ बची हैं इनको हम बेकार नहीं करेंगे। ब्रेड क्रम्स बना लीजिए, बहुत से सामान में ये यूज हो जाता है। ये लीजिए, हमें जितनी भी स्वीट बनानी है मैंने वहाँ पर उतनी ही ब्रेड कट कर ली है। यहाँ पर जब तक रिफाइंड गर्म हो रहा है हम थोड़ी सी मलाई ले लेंगे। इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दूध के ऊपर जो जम जाती है मैंने वो मलाई ले ली है, और साथ में ये ड्राई फ्रूट्स। अब इन स्लाइस को हम अच्छे से दोनों तरफ सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है कि ये जल जाएं। इसी तरह से हल्का गुलाबी हम इनको तल लेंगे अच्छे से रिफाइंड में, ज़्यादा नहीं, इस तरह से बस इतना हमने इनको कर लिया है फ्राई। हम निकाल लेंगे बाकी के जो स्लाइस हैं, हम उन्हें भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। मैंने ब्रेड को इस तरह से अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी चाशनी उठा लेंगे। मैंने यहाँ पर चाशनी को थोड़े से गहरे बर्तन में कर दिया था ताकि जब हम ब्रेड के इन स्लाइस को डिप करें तो वो अच्छे से हो जाए। इनको हमें ज़्यादा देर डालकर नहीं रखना है, बस हम डालेंगे और सारे पीसेस को इस तरह से निकाल लेंगे। फिर मैं आगे का आपको बताती हूँ। बस ध्यान रखिएगा चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी हम इसको हल्की गुनगुनी सी कर लेंगे। अगर ठंडी हो जाती है तो आप इसको थोड़ा सा
रख दीजिए फिर से आंच पर और ये हल्की गुनगुनी हो जाएगी। थोड़ी सी गुनगुनी चाशनी में इसलिए भी हम डालते हैं ताकि ये ज़्यादा चाशनी अब्जॉर्ब ना करे। अगर चाशनी ठंडी होगी तो ये ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। इस तरह से मैं इनको प्लेट में रख लूँगी, हम इनकी प्लेटिंग कर लेंगे। अब इन सारी ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ ये मलाई। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, या कह लीजिए इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। हम सारी स्लाइस के ऊपर मलाई लगा लेंगे। अगर आपको मेरी ये स्वीट डिश पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका, तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैंने स्वीट डिश बहुत ही आसानी से बनाई है, देख लीजिए आप। घर में जो भी सामान होता है बस उसी से, इसमें ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो घर पे नहीं मिलता है हमें, हम इसको फटाफट बना सकते हैं। अब इनके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़े से, मैंने ये जो ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, ये लीजिए बनकर तैयार हो गई है हमारी स्वीट डिश। मेरे पास ये थोड़ी सी टूटी फूटी रखी है तो थोड़ा सा मैं इसको भी डाल दूँगी इसके ऊपर। देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए ना अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं, और ये क्या मतलब हुआ कि मेहमानों को ही अच्छा बनाकर खिलाएं, हम भी तो टेस्टी सा बनाकर खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये स्वीट डिश आपके लिए तैयार कर रही हूँ, आप भी बनाइए, फैमिली को खिलाइए और आप भी इसको बनाकर खाइए। ये सभी को बहुत पसंद आने वाली स्वीट डिश है और ये फटाफट बनकर रेडी भी हो जाती है। लीजिए, बनकर तैयार हो गई है ना।